मेरा यकीन करिए, उम्मीद खोना हाथ पांव खोने से कहीं अधिक बुरा है। यह सोचना झूठ है कि आप उतने अच्छे नहीं हैं, यह सोचना झूठ है कि आप किसी काम के नहीं हैं। जब आप डरते हैं तो आपका साहस आपसे अलग हो जाता है। ईश्वर ने इंसान को असीमित शक्तियों के साथ भेजा है, उसे आप सीमाओं में बांधने के बारे में कैसे सोच सकते हैं? कुछ घाव ज्यादा तेजी से ठीक हो जाते हैं यदि आप चलते रहते हैं। यदि मैं फेल होता हूं तो मैं बार बार कोशिश करता हूं। यदि आप फेल होते हैं तो क्या आप दोबारा कोशिश करेंगे? इंसान का साहस जितना हम सोचते हैं उससे कहीं अधिक बुरा हैंडल कर सकता है। अगर आपके साथ चमत्कार नहीं हो सकता तो खुद एक चमत्कार बन जाइए। जिंदगी में आपके पास एक चॉइस है, बिटर या बेटर। बेटर को चुनें, बिटर को भूल जाएं। हमारे जीवन में चुनौतियां हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए हैं, वे हमें रौंदने के लिए नहीं हैं। ईश्वर का प्रेम इतना सच्चा है कि इसे साबित करने के लिए उसने तुम्हें बनाया है। मेरे पास जो नहीं है उसके लिए भगवान से नाराज होने का विकल्प है, या जो मेरे पास है उसके लिए आभारी होने का। गिरने का जोखिम उठाए बिना आप खड़े भी नहीं हो सकते। जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी शानदार होगी। कभी कभी आपको लग सकता है कि बस आप अपना लक्ष्य पाने ही वाले हैं, लेकिन आप चूक जाते हैं। यह हार मानने का कोई कारण नहीं है। हारता केवल वो है जो दोबारा प्रयास करने से इनकार कर देता है। खुद को ऐसे सोचो जैसे कि तुम सीढ़ी चढ़ रहे हो। अगले पायदान पर जाने के लिए तुम्हें अपनी पकड़ छोड़नी होगी और अगले पायदान की तरफ बढ़ना होगा। मैं और मेरा शरीर भगवान की रचना है। जो भी मैं हूं उनकी योजना के अनुसार बनाया गया हूं। आप जैसे हैं वैसे ही बहुत बढ़िया हैं। जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते और आपको उनके साथ जीना होता है। यह जिंदगी महान अनुभवों से भरी हुई है, बस अगर हम इसे एक मौका दें। सही दिशा में छोटे छोटे कदम उठाएं, चाहे आपके कदम कितने ही छोटे क्यों ना हों, अपने लक्ष्य की दिशा में बढ़ते रहें। हार मत माने और इस बात को जान लें कि हमेशा कोई ना कोई होता है जो आप में यकीन करता है, जो आपको उसी रूप में प्यार करता है जैसे आप हैं। हम सभी गलतियां करते हैं, लेकिन हम में से कोई भी गलती नहीं है। केवल बदलाव की इच्छा रखने से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अभी एक्शन लेने का निर्णय लेने से सब कुछ बदल जाएगा। हमारे साथ क्या होता है इस पर शायद हमारा जरा भी कंट्रोल नहीं है, लेकिन हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि हम रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। अगर हम सही नजरिया चुनें तो हम सामने आने वाली सभी चुनौतियों से ऊपर उठ सकते हैं। आगे बढ़ते रहो, क्योंकि एक्शन से मोमेंटम पैदा होता है जो बदले में अप्रत्याशित अवसर पैदा करता है। कभी भी उसके अनुसार मत जियो जो तुम्हारे पास नहीं है। केवल पद और प्रतिष्ठा के लिए जीवन जीना घमंड है। यदि भगवान बिना हाथ पैर के आदमी का उपयोग कर सकता है तो वह निश्चित रूप से किसी का भी उपयोग कर सकता है। अगर बिना हाथ और पैर के कोई व्यक्ति बड़ा सपना देख रहा है तो हम सब क्यों नहीं देख सकते? लंबी और स्थायी खुशी के लिए कोई छोटा या आसान रास्ता नहीं है। अपने सपने पर फोकस करो
और अपनी शक्ति से सब कुछ करो। आपके पास अपने जीवन की परिस्थितियों को बदलने की शक्ति है। जब तक मैंने उम्मीद नहीं खोई, मैं अपंग नहीं था। यदि आप चीजों में खुशी की तलाश कर रहे हैं तो आप इसे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। जब तक आप प्रयास नहीं करते, तब तक आप नहीं जानते कि आप क्या हासिल कर सकते हैं। सारी घटनाएं अच्छे के लिए एक साथ आ जाती हैं। चाहे जितनी मुश्किल हो, बढ़ते रहो। क्या आपने खुद को कभी परिस्थितियों में घिरा पाया है और फिर यह पाया है कि एकमात्र ट्रैप आपका लैक ऑफ विजन था, आपके साहस की कमी थी, या ये ना देख पाना था कि आपके पास बेहतर ऑप्शन थे? भगवान ने तुम्हें बस एक मुंह लेकिन दो कान दिए ताकि तुम जितना बोलो उसका दुगना सुनो। सबसे बड़ा खतरा यह सोचना है कि आपको भगवान की जरूरत नहीं है। जब आप महज चीजों में खुशियां ढूंढते हैं तो वो कभी भी काफी नहीं होता। आसपास देखिए, अपने अंदर झांकिए। आस्था, विश्वास और धारणा होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनके आधार पर आप जो काम करते हैं उससे आपकी जिंदगी मापी जाती है। आपकी जिंदगी खुशहाल है या नहीं, यह आपकी अपनी चॉइस है। हम किसी दिन वाली मानसिकता में आसानी से फंस जाते हैं। किसी दिन मेरे पास वो सारा पैसा होगा जो मुझे लाइफ एंजॉय करने के लिए चाहिए। किसी दिन मैं अपने परिवार के साथ अधिक समय बिता पाऊंगा। किसी दिन मेरे पास आराम करने के लिए और जो मैं चाहता हूं वो करने के लिए ढेर सारा वक्त होगा। रिस्क जीवन का हिस्सा नहीं है, यही जिंदगी है। यह आपके कंफर्ट जोन और आपके सपने के बीच का वह स्थान है जहां जीवन होता है। यह टेंशन वाला क्षेत्र है, लेकिन यह भी है कि आपको पता चलता है कि आप वास्तव में कौन हैं। अपनी जिंदगी को थामो मत ताकि तुम पहले की हुई जातियों के बारे में सोचते रह जाओ। हर एक विकलांगता जो तुम में है, उसके बदले में चुनौतियों को पार करने के लिए तुम्हारे अंदर कहीं अधिक क्षमता है। ना हम कष्टों की तुलना कर सकते हैं और ना ही हमें यह करना चाहिए। बिना हाथ पांव का जीवन या बिना किसी सीमा का जीवन। मैं आपको इस बात को स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं कि हो सकता है अभी आपको कोई रास्ता ना दिखाई पड़े, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि यह वहां है ही नहीं। मैं कभी किसी कड़वे व्यक्ति से नहीं मिला जो आभारी था, या कोई आभारी व्यक्ति जो कड़वा था। जिंदगी चीजों के होने के बारे में नहीं है, यह खुद मौजूद होने के बारे में है। आप खुद को उन सभी चीजों से घेर सकते हैं जो पैसा खरीद सकता है, फिर भी आप उतने ही दुखी होंगे जितना कोई इंसान हो सकता है। मैं ऐसे परफेक्ट बॉडी वालों को जानता हूं जिनके पास मैंने जितनी खुशी पाई है उसकी आधी खुशी भी नहीं है। लेकिन एक चीज है जो स्वर्ग जाने से अच्छी है, और वो है कम से कम एक और व्यक्ति को अपने साथ ले जाने के लिए प्रोत्साहित करना। सबसे बड़ा इनाम तब मिलता है जब आप खुद को समर्पित कर देते हैं। यह दूसरों की लाइफ को बेटर बनाने के बारे में है, किसी ऐसी चीज का हिस्सा बनने के बारे में है जो आपसे बड़ी हो, और एक सकारात्मक बदलाव के बारे में है। अगर बिना हाथ पांव का आदमी बड़े सपने देख रहा है तो हम क्यों नहीं, हम सभी क्यों नहीं। हारता केवल वो है जो दोबारा प्रयास करने से इनकार कर देता है। लोग हमेशा शिकायत करते हैं कि वे ये नहीं कर सकते और वो नहीं कर सकते। अगर हम अपने जीवन को देखें और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो हमारे पास नहीं है या जिन्हें हम पाना चाहते हैं, तो इससे परिस्थितियां नहीं बदलती हैं। सच्चाई यह है कि हमें उस पर ध्यान केंद्रित करना होगा
जो हमारे पास है और उसमें से सर्वश्रेष्ठ का निर्माण करना होगा। मैं बार बार प्रयास करूंगा, क्योंकि जिस क्षण मैं हार मान लेता हूं वही क्षण होता है जब मैं असफल हो जाता हूं। सिर्फ इसलिए कि मैं भगवान की योजनाओं को नहीं समझता, इसका मतलब यह नहीं है कि वह मेरे साथ नहीं है। हम सभी शून्य से शुरुआत करते हैं, हम सभी शुरुआत से ही शुरुआत करते हैं। हार ना माने। जब आप अंदर से टूटे हुए हों तो बाहर से पूर्ण होने का कोई मतलब नहीं है। मैं एक घंटे में 1749 हक्स के लिए गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स धारक हूं। मेरी बाहें टूट के गिर गईं।